तो राम राम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग की आज स्टार्टिंग करते हैं हम, और देखो मैं डेली भूल जाता हूँ, ब्लॉग नहीं एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं आज सुबह से। और सबसे पहले उठते ही जो मेरा काम था आज, मैंने पहले वीडियो एडिट किया, ठीक है। मैंने इसलिए किया क्योंकि भाई पता डेली लेट हो जाता है, तो मैंने सोचा पहले इसको एडिट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आज इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छी तरीके से और आगे दिखाते हैं ब्लॉग की स्टार्टिंग। क्योंकि पता चल जाएगा भाई ऐसे कैसे था आएगी, जब तुझे तो पता ही चल जाएगा तो डर रहा कैमरे से, इसी कैमरे से थाल आ जाती है बोल बोल के ऐसी। तो बता तो आप बनाना, मैंने बनाना। क्यों तुझे क्यों? मुझे मतलब ना पहले शर्म आती है क्या होता है? अच्छा को पहनता हूँ। अच्छा क्या अच्छा, देख तू कभी अच्छा पहन ही नहीं पाएगा। अब ऐसा थोड़ा ना होता, तो अच्छा पहनेगा तो बनाएगा। अब आदमी कच्चे में रहेगा तो कैसे बनाएगा, समझ रहा? तो गाइस हम सोच रहे हैं थार के लिए, ठीक है, कि हम थार ले पाए, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ थार वाला ड्रीम कब पूरा होगा, क्योंकि मेरा जो ड्रीम है वो फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट कार है, वो थार लेना है, ठीक है। तो देखते हैं कब पूरा होगा, बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ आज का दिन ऐसे ही स्टार्ट किया, ठीक है, और आगे क्या क्या होगा मैं आपको सब कुछ। तो गाइस तो हमारे साथ दो क्लाइंट और आए हैं, तो मैं उन क्लाइंट को आपसे मिलवाना चाहता हूँ। वो क्लाइंट कौन है भी आते हैं खास सकेंगे देख लेना। अरे जल्दी आ जाओ भैया। क्या हुआ भैया, क्या था पिज्जा क्यों बना? क्या तूने बोला क्यों नहीं पिज्जा की? ऐसा क्या था? अरे ना तो बोल दो ना, पिज्जा खाना है तो मंगवा दूँ, मेरे पास बाइक नहीं है, जाना पड़ेगा तुम्हें पैदल पैदल लेने। जैसे पैदल आए ऐसे पैदल वापस चले जाओ, फिर एक बार पैदल वापस आ जाओ। बताओ रेडी हो? नहीं भाई। क्या खाना है? नहीं ठीक है। चलो इंट्रोडक्शन दो अपना इंग्लिश में, दिन भर मोबाइल चलाते रहते। मोबाइल रख रहा है नहीं रख रहा? रख रहा। हाँ बोल इंट्रोडक्शन। मेरा नाम संस्कार है। संस्कार इतना गंदा संस्कार इतना गंदा संस्कार तेरा भैया, और उसका नाम आदर्श है। तुम दोनों के अंदर नामों के साथ कोई भी खासियत नहीं मैच कर रही है। मेरा नाम आनंद है, तो मैं कहीं से भी खुश नहीं लग रहा। वो कहाँ है? 2.4 उसको वहीं कैद कर दिया। वो आएगा क्या? उसकी गैंग ही वहीं है, यहाँ कोई गैंग वाला से मिल नहीं रहा। उसे पता है यहाँ आएगा तो झंडी लगेगी, है इसलिए नहीं आता ना। तो आ रहा था पीछे, उसको एक्सटेंशन में कैद कर लिया गया। अच्छा गड्ढा मिल गया क्या, निकल नहीं पा रहा क्या वहाँ से? अंजलि ने तो नहीं पकड़ लिया उसको? अंजलि ने लाओ पेप्सी ले आओ, दवा वाली आओ। दवा मतलब पूरी बात बताओ भाई, ब्लॉग में आ रहे हो तुम सब, पूरी पूरी बात ही नहीं बता रहे। हो क्या रहा? कुछ नहीं हो रहा था। मैसेज वैसेज आ रहा है क्या? मैसेज भी नहीं आ रहा। ये फोन किस आज तो वो मेरा फोन गया था ऊपर, तो बात करने के लिए मामला जो फोन आया था तो ऊपर गया, तो उसने क्या कि तुरंत हॉटस्पॉट चालू कर दिया इस फोन के लिए। निकाल ना, अब उसको रखेगा फिर कल सोचेगा परसों निकालेगा पेप्सी, फिर तो तीन तो फिर राजू मामा है। बता दो कौन कौन सी पिएगा तू, कौन सी पिएगा? मैं तो हरी पीऊंगा कल। पर रुक जाओ रोक लो, पिज्जा सही में आ रहा है, बंद कर उसको, गैस निकल जाएगा उसका, ठीक है। हाँ और क्या हुआ था? और क्या कुछ नहीं, मामा मैं तो मुझे दे दे तू कोक। देख कोक तुम ज़्यादा मत पियो। कोक मैं नहीं पी रहा, मैं कोक नहीं पीऊँगा। हाँ। तीन चार दिन से कोक ही पी रहे हैं। तीन चार दिन से कोक पी रहे हैं? कितना कहाँ से पैसा आ रहा भाई है? तो भाई ज़्यादा इसकी मत पियो, एक इसको भी दे 500 को भी। हाँ फिर मुझे चाहिए ला दे 500। निकाल लो पर मेले छोड़ दे उसको, मत देखो। हाँ उसको दे दे, अब जल्दी पी के सब हटा दो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, ये सब पीने का। पता नहीं कब आएंगे, पर मैं गाइस अभी हमने जा चलेगा साइड व्लॉग करते हैं। हाँ तो हमने अभी जगत फार में पराठे खा लिए, तो हमें एक भाई मिला नितिन। हाँ ऐसे बोलो क्या बोला? कुछ तो बोल लो, ब्लॉगिंग चालू करनी तो मैं बॉडी वॉडी बना लिए। तो गाइस बॉडी बनाना भी जरूरी है, फिटनेस जरूरी है। कुछ ना कुछ तो करो कि जिससे लाइफ में मतलब थोड़ा इन्जॉयमेंट होना चाहिए, ग्रोथ सी लगे, ग्रोथ हो रही है कुछ। ऐसा मत दिन सुबह उठो रात को सो जाओ,
फिर आपका कोई जीने कोई मतलब ही नहीं। और कुछ नितिन? थैंक यू। थैंक यू, यही कहना चाह रहा ना फिटनेस को लेकर। यू जगत भारत मार्केट है गाइस, देख लो तू। अरे आ जाएगा, चप्पल ही मंगा रहा, कोई नूर का हीरा मंगा रहा। तो बात भी खड़ी कर दी, चप्पल ही है ना, कोई नूर का हीरा ही मिल रहा। कहाँ से? कहाँ से? अहमदाबाद से। गुजरात से ही है, इसीलिए तो मैंने गई। ठीक है, वही मंगा रहा ना, यही आई। हाँ यही है, सही है। 650 छोटी मोटी चीज़ है लाइफ में ऐसी। मैं जब से इधर घर रहने लग गया, ठीक है अपन, हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा नहीं देते, इससे बढ़ावा देंगे जहाँ जहाँ कैप्चर हो सकता है। इधर पता, अभी कबड्डी की लीग हुई थी नोएडा के अंदर, वो आई थी, क्या नाम इसका, आईयूसी आई थी। मैं वहाँ गया नहीं, मेरे घर का काम चल रहा था, 25 दिन रही थी वो, और मुझसे 2 दिन का उसने हाँ। कैसे कैसे होते हैं इसके पॉइंट? काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, लेकिन सिंपल में समझाने की ट्राई करता हूँ। 5 जज बैठे रहते हैं, हर एक राउंड में स्कोर देते हैं, जो अच्छा खेलेगा उसको 10, जो ठीक ठाक खेलेगा उसको 9। ऐसे हर एक राउंड के टोटल स्कोर काउंट होंगे, मतलब एक जज है, उसने एक राउंड में सारे स्कोर रेड को दिया, 10-10-10 उसके 30 हो गए, और ब्लू वाले को सारे 9-9-9 उसके 27 हो गए, तो वो एक जज के लिए रेड वाला जीत गया। वैसे 5 जज के टोटल स्कोर के हिसाब से, जैसे 5 जज ने एक साइड तरफा दिया तो 5-0 से जीतेगा, मतलब 5 जज के लिए वो प्लेयर जीता हुआ है ऐसा। फिर 4-1 से हो सकते या 3-2 से, ऐसे जीतते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, वो तो यही है कि अपना गेम खेलते खेलते ही पता चलेगा कि खेल रहे, जैसे मान लो रेड वाला ब्लू वाला, अभी रेड वाला कम्प्लीटली डोमिनेट कर रहा है, वन साइडेड मारेगा, तो रेड वाले को डायरेक्ट विन भी दे सकते हैं, लेकिन अगर स्कोर तक जाता है तो एकदम कम्प्लीटली डोमिनेट कर रहा है तो 10-7 तक दे सकते हैं, 7 मिनिमम है, मतलब विनिंग वाला है उसको 10 देने हैं, लूजिंग वाला है उसको 9-8-7 तक दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है गेम कैसा है। हालांकि 7 तक का गेम हो अगर तो मोस्टली RSC हो जाता है। RSC मतलब क्या कि एक बार दो बार काउंटिंग हो गई, अच्छा पंच पड़ा काउंटिंग हो गई, अच्छा पंच पड़ा काउंटिंग हो गई, 2-3 बार काउंटिंग हो गई मतलब मैच खत्म। ओके ठीक है, बढ़िया है भैया, बढ़िया। दीपांशु तुम भी कुछ कहना चाहोगे? हम तो कहते ही आ रहे हैं 4-5 साल भैया, यहाँ बहुत तेज, तो यहाँ बहुत तेज। और ले ली पेप्सी और पनीर मंगाया, पनीर वनीर जो भी आएगा उसको खाएंगे, ठीक है। बट मोबाइल का काम हुआ नहीं, मैं आया था मोबाइल के काम से मॉल के अंदर, जो कि पता है 11 बजे से 6 बजे होगा, और हम वहाँ पहुँचे 8 बजे, तो इस वजह से मोबाइल का जो काम हो तो हो नहीं पाया। कोई नहीं, मोबाइल का हम कल करवा लेंगे, आज का जो रहेगा वो खा पी के घर पहुँचेंगे। और मम्मी के लिए मैं सोच रहा हूँ आइसक्रीम लेकर चलते हैं, मम्मी को थोड़ा सरप्राइज है क्योंकि मेरी मम्मी उस साल से गुस्सा चल रही है, ठीक है, तो सरप्राइज लो, खा लो गाइस। तो ये हमारा खाना आ गया तो मैं खा लेता हूँ, तुम भी खाओ अपना अपना खाना, ठीक है। किसी को खाना तो आ सकता है,